बंद बंद कर दे बातें। हाल ही में बीजेपी ने अपने 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी में विरोध की लहर को जन्म दे दिया है। दावेदार नेताओं ने अपना टिकट कटने पर जमकर बवाल काटा। इसी कड़ी में बीजेपी के वर्तमान चंदला विधायक राजेश प्रजापति का भी टिकट कट गया है। खुद का अब टिकट कटता देख राजेश प्रजापति से नहीं रहा गया और वो अपना दुख बयां करते हुए रो पड़े। बातें आगे बढ़ाना अपन। हाँ अच्छा नहीं लगे ना। अरे अपना का हिम्मत हो ही हारे का। अच्छा बात आ गया हुआ भाई। हाँ अपना का हिम्मत हारने वाले हैं ना भाई। कैमरे और अपने समर्थकों के साथ फूट फूट कर रोते हुए राजेश प्रजापति ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने टिकट वितरण के लिए तानाशाही की है। चुनाव जीत सकते हम प्रेम से, व्यवहार से, भाव से, एक दूसरे का प्रेम करके, एक दूसरे से प्रेम संबंधों से। हम तानाशाही रवैये से चुनाव नहीं जीत सकते। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, नष्ट कर सकते। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि टिकट वितरण के लिए जब सर्वे हुआ था तो कुछ नामों का चयन किया गया था, लेकिन जिसे टिकट दिया गया है उसका नाम तो सर्वे में था भी नहीं। कि इतने सर्वे हुए, सर्वे में क्या मेरा नाम नहीं रहा होगा? मैं पार्टी का, संघ का, संगठन का हर जगह दायित्व, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, हर जगह दायित्व होने के बाद, मेरा हर जगह काम करने के बाद किसी प्रकार से मेरा कोई भी वैसा नहीं रहा कि मेरा विरोध किया गया हो, किसी ने विरोध किया हो या विरोध मैंने। राजेश प्रजापति का केवल एक ही सवाल है कि आखिर क्यों उनका टिकट काटा गया। दरअसल टिकट कटने पर राजेश प्रजापति ने अहलम देवी मंदिर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद माता के दर्शन किए और अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। इस दौरान राजेश के समर्थकों ने जमकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की।